नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी स्त्री को पसंद करते हैं, यदि किसी स्त्री को आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, यदि किसी स्त्री को अपना दासी बना करके रखना चाहते हैं, वो स्त्री दुनिया के किसी भी कोना में हो, वो आपके पास में भाग करके आएगी। विदेश में बैठी हुई हो, वो आपके पास में भाग करके आएगी, अगर इस मंत्र को चला देते हैं तो इस मंत्र को कैसे चलाना है, कौन सा मंत्र है कि बोलते ही वो लड़की, वो स्त्री आपके मोहब्बत में तड़पने लगेगी, वो स्त्री आपके प्यार में बेचैन हो जाएगी, वो स्त्री आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र, बहुत ही शक्तिशाली मोहिनी, आकर्षण, शक्तिशाली वशीकरण मंत्र में बताने जा रहा हूं। एकदम पूरी तरह से इस किसी भी स्त्री को आप अपने काबू में कर सकते हैं, अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। उसको आप जैसा बोलिएगा वैसा करेगी, जैसा नचाइएगा वैसा नाचेगी। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग और मंत्र में बताने जा रहा हूं, लेकिन यह मंत्र गलत प्रयोग में ना करें। यदि किसी को आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं, यदि किसी को जीवन भर अपने पास में रखना चाहते हैं, तो यह मंत्र को आप प्रयोग करिएगा। यह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र मैं बताने जा रहा हूं। यह बटुक भैरव का मंत्र है, बटुक भैरव का मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली। तो कैसे करना है, आप हमारे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्यार से एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर आप अपना राय जरूर लिखें और हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, मैं बताने जा रहा हूं ऐसा मंत्र, वो अपने आप में सिद्ध है, ना आपको सिद्ध करने की जरूरत है और ना आपको किसी तरह से कोई मंत्र जाप करने की जरूरत है। खाली इस मंत्र को आपको जो है 21 बार खाली बोलना है। मंत्र अगर आप बोलिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिख दूंगा वो मंत्र, तो आपको 21 बार ही मंत्र को बोलना। कैसे बोलना है इसकी तरीका और विधि को जान लीजिए। सबसे पहली, अगर आप हमारे वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बेल घंटी को ऑल जरूर कर दे, ताकि आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। आपकी किसी भी समस्या का समाधान हो, आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें, बात करें, आपका समस्या का समाधान होगी, घर बैठे हम समाधान कर देंगे आपका। तो मित्रों, आपको करना क्या है, एक छोटा सा अकवन का पेड़ का या आंख का पेड़, जिसको बोलते हैं आंख का, सफेद आंख मिल जाए तो अति उत्तम है, आंख का पेड़ या अकवन का पेड़ का एक पौधा आपको लेकर के आना है। कहीं से भी आप उखाड़ करके ले आएगा छोटा सा पौधा, उसको आप एक ठो गमला में उसको रख दीजिएगा। गमला में रख देने के बाद में उसको क्या करिएगा, बाबा भोलेनाथ के नाम लेकर के वो अकवन देवता को आप पूजा करिएगा। पूजा पाठ विधिवत तरीके से कीजिएगा। इसको करना है शुक्रवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में आप लेकर के आइएगा और अकवन को विधिवत पूजा पाठ करके उस पेड़ के डाली में, उस पौधे का डाली में आप जो है मौली धागा उसको लपेट दीजिएगा 108 बार। मौली धागा लपेट करके उसको जिस स्त्री को आपको दूर से बुलाना है, अपना पास बुलाना है, उसके नाम लेकर के 7 गांठ लगा देना है। मौली धागा को 108 बार लपेटना है और 7 गांठ उस पर लगा देना है। उसके बाद में आपको वाकवन का पौधे को सामने में धूप दीप अगरबत्ती जला करके आपको रख देना है और इस मंत्र को बोलना है, आएंग हिरिंग बटुक भैरवी अमुक स्त्री मामा आकर्षय आकर्षय वश्यम वश्यम कुरकु स्वाहा। आएंग हिरिंग बटुक भैरव अमुक स्त्री मामा आकर्षय आकर्षय वश्यम वश्यम होम पट स्वाहा। आएंग हिरिंग अमुक आएंग हिरिंग बटुक भैरव अमुक स्त्री मामा आकर्षय आकर्षय बस्यम बस्यम कुरकु स्वाहा। 108 बार इस मंत्र को आप बोलिएगा, मंत्र को नोट कर लीजिएगा, याद करिए, कंठस्थ कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं मंत्र लिख दूंगा।
उसको देख करके और इस मंत्र को आपको 21 बार उस पेड़ के पास में पौधे के पास बोल देना है और बोल करके रात को आप सो जाइएगा। सुबह सुबह उस पौधे को ले जा करके किसी बहता पानी में, साफ सुथरा पानी में ले जा करके आप उसको प्रवाह कर दीजिएगा। बस इतना छोटा सा प्रयोग आप करिए, एकदम निश्चित तौर से मन चाही औरत आपके पास में आएगी और आपके पास में गिड़गिड़ाएगी, उसे आप जीवन साथी बना सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, इसे आप अवश्य करें। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।